हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का अपडेट। जो हमारी रिमेनिंग वैकेंसीज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकंड लिस्ट जो है वो कब तक आएगी और क्यों नहीं आ रही, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जो हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जेके एसएसबी क्लास फोर्थ की जो रिक्रूटमेंट हो रही है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि डेली जो है इसमें हाई कोर्ट की भी इंटरवेंशन हो रही है, हाई कोर्ट में भी अपील जो है वो दायर कर रहे हैं लोग। जो हमारे क्वालिफिकेशन के बारे में प्रॉब्लम्स है कि हायर क्वालिफाइड को कैंडिडेट्स को लेंगे या नहीं, तो उसकी वजह से भी क्या है फ्रेंड्स कि इसमें टाइम लगता है। अब जेके एसएसबी को क्या करना है, वो सारे जब मसले हल हो जाएंगे उसके बाद ही वैकेंसी को जब वो रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मसले जो हैं ये अभी चल रहे हैं जेके एसएसबी क्लास फोर्थ को लेकर। सेकेंड लिस्ट, अब देखिए टोटल वैकेंसी जो थी हमारी वो 8575 थी। तो अब रही बात अभी की, जो वैकेंसीज आउट हुए हैं वो कंप्लीट वैकेंसी जो हैं वो जेकेएसएसबी ने अभी पूरी नहीं निकाली हैं। बहुत सारी वैकेंसी जो हैं वो अभी बचती हैं। तो अभी लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 6000 तक की जो वैकेंसीज है वही जो है जेकेएसएसबी निकाली है। अब जो बची हुई वैकेंसीज है उसमें टाइम क्यों लग रहा है, उसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मसले बहुत हैं। इसमें क्वालिफिकेशन का मसला है, इसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं डिपार्टमेंट, अब कुछ बच्चे जो हैं वो ज्वाइनिंग ही नहीं कर रहे, उनकी कुछ को तो भाई वर्क ही पसंद नहीं आ रहा कि क्लास फोर जो है इसमें काम अच्छा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को तो इस वजह से अपॉइंटमेंट भी नहीं ले रहे। अब ये सारे मसले जो हैं इसकी वजह से क्या होता है, टाइम जो है जो काम है वो टाइम पे नहीं हो पा रहा, एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो जेके एसएसबी पे पड़ रहा है। क्वालिफिकेशन का मसले को हल करें, अपॉइंटमेंट को मसले को हल करें, अच्छा जी और बहुत से मसले आ रहे हैं जेके एसएसबी को इस क्लास फोर की रिक्रूटमेंट में। जैसे कि अब डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट निकल रही है कैडिट्स को, कई जगह कैडिट्स ने प्रेफरेंस ज़्यादा दी हुई है, एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिपार्टमेंट प्रेफरेंस दी हुई है, वो नाम ज़्यादा आ रहे हैं उनके, तो उन लिस्ट को भी आगे पीछे करके एक डिपार्टमेंट में एक नाम ही आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है जेके एसएसबी को। तो इसी वजह से जो है हमारी जो लिस्ट है उसमें जो है टाइम लग रहा है। अब टाइम की बात मैं बता दूँ तो जेके एसएसबी ने जो पीछे मीटिंग हुई थी जेके एसएसबी उसमें ऑफिशियल्स ने कहा था कि हमको जो है पहले 31 दिसंबर की बात की थी और बाद में उन्होंने फरवरी एंड तक की बात की हुई है कि हमें जो है ये जो भी रिक्रूटमेंट हमारी फास्ट ट्रैक पे रिक्रूटमेंट हुई थी जिसमें के जे के एस क्लास फोर्थ की बात भी आती है कि उसको जो हमने रिक्रूटमेंट जो वो कंप्लीट करनी है। तो सेकंड लिस्ट जो है वो डेफिनेटली आएगी, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब नहीं आ रही, क्यों टाइम लग रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसमें मसले बहुत हैं, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो जेके एसएसबी को जिसके साथ डील करना पा रहा है। अच्छा क्वालिफिकेशन, अब देखते हैं, अब डेली कल परसों भी जो है हमारे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई इसमें जो हायर क्वालिफाइड हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह के मसले पहले भी थे, पहले भी कैडेट जो है वो अपील कर रहे हैं। अब जब अपील करते हैं तो वर्क जो है वो थोड़ा शट डाउन होता है और उसमें जो है टाइम फिर से लग जाता है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिन भी कैडेट्स का इम्तिहान जिन्होंने दिया उनका नाम जो है मेरिट में आया था तो उनकी लिस्ट जो है वो सेकंड लिस्ट पक्का आनी है। तो फ्रेंड्स, बाकी अभी के लिए इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जैसे कोई और अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कशन करूंगा। और आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न आया तो आप लोग भी जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कन्फ्यूज़न डाल सकते हैं। जहाँ तक हो पाया मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इतना ही, ओके, गुड बाय।